भारत और चीन में जारी सीमा विवाद के बीच आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर चीन वहां से सेना हटा ले तो बात बन सकती है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के साथ इस समस्या का समाधान चाहता है। भारत चाहता है कि बातचीत से मसला सुलझ जाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार की विभिन्न खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय का एक विस्तृत और समय परीक्षण तंत्र है, जिसमें केंद्रीय पुलिस बल और तीनों सशस्त्र बल की खुफिया एजेंसियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लद्दाख का दौरा कर हमारे बहादुर जवानों से मुलाकात की और उन्होंने ये संदेश भी दिया था कि समस्त देशवासी अपने वीर जवानों के साथ खड़े हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत शांति के साथ इस समस्या का समाधान चाहता है। लोकसभा में उन्होंने कहा कि 1993 और 1996 में तय हुआ था कि दोनों देश कम सेना रखेंगे। एक समझ बनी थी, लेकिन चीन ने आगे सहमति नहीं बनाई। राजनाथ सिंह ने कहा कि अप्रैल महीने से चीन ने सेना में बढ़ोतरी शुरू कर दी थी। मई में कुछ समस्याएं आई तो ग्राउंड में बात की गई। कई जगहों पर अतिक्रमण करने की कोशिश की गई, जिसके जवाब में सेना ने कार्रवाई करके साफ कर दिया कि सैन्य और कूटनीतिक स्तर हालात पर बदलाव मंजूर नहीं है। 15 जून को गलवान में जो हिंसक झड़प हुई, उसमें चीन की सेना को भारी नुकसान हुआ था। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा पर जवान पूरी तरह से सतर्क हैं। भारत चाहता है कि बातचीत से मसला सुलझ जाए। उन्होंने बताया कि मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात में मैंने सभी बातों को मजबूती के साथ रखा। अगर चीन अपनी सेना वहां से हटा ले तो बात बन सकती है। अभी हालात अलग हैं और भारत हर तरह के हालातों से निपटने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने सदन में बताया कि बहादुर जवान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हम अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन दोनों देशों को सीमा का सम्मान करना होगा। फिलहाल यथास्थिति का पालन किया जा रहा है। चीन की तरफ से जब भी आक्रामक कार्रवाई की कोशिश की गई तो सेना ने उसे हर स्तर पर विफल किया। हमारी सरकार ने सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट को पिछली सरकारों से लगभग दोगुना कर दिया है। हमारे सशस्त्र बलों का मनोबल काफी मजबूत है। वे दुर्लभ ठंडे तापमान में भी ऊंचाई पर लड़ सकते हैं। मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ हमारा संबंध बना रहा है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि तीन सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा यलेसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। सभापति महोदय, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट जाएं। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी एक इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने दें। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है। राजनयिक स्तर पर भी WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर के तहत भी बैठकें होती रही हैं। सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पेंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय, इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पेंगोंग लेक से पूर्व से पेंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। सभापति महोदय, पेंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड
एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। सभापति महोदय, यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां, जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है, को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा। इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। यह उम्मीद है इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। सभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं, अभी भी यलेची पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इशूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.